आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा वैलिडेशन के ऊपर। उसमें हम कवर करेंगे कस्टम डेटा वैलिडेशन। कस्टम डेटा वैलिडेशन एंड अदर डेटा वैलिडेशन के ऊपर हमारे नॉलेजेबल कंसेप्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं, प्लीज आप वहां से सब चेक कर लीजिए। इससे पहले वाले कस्टम वैलिडेशन में हमने क्या सीखा था, जैसे ये नाम लिखे हुए हैं तो इस वाले कॉलम में सिर्फ टेक्स्ट ही अलाउड हो, अगर कोई नंबर लिखे तो वो एरर आना चाहिए। इट मीन जस्ट ओनली कोई पर्टिकुलर नाम, दैट मीन अल्फाबेट्स ही होने चाहिए। उसके साथ यहाँ पे हमने लिखा था ये जो कॉलम है सी कॉलम, इसमें जस्ट नंबर्स ही एक्सेप्ट हो, इसमें कोई अल्फाबेट एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद वाले में हमने कवर किया था जो नंबर तो होना चाहिए लेकिन वो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, उसके अलावा वो सपोर्ट ना करे। अगर 10 डिजिट का नंबर हम लिखते हैं तो ही वो हमें सपोर्ट करेगा, जिसके लिए हमने एंड इज नंबर और लेंथ वाली फॉर्मूला का उपयोग किया था। यहाँ पे देख लेते हैं ये 1 2 3, अदरवाइज हम ऐसे करते हैं, सिर्फ इसको ही डायरेक्टली हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन आज का हमारा वीडियो है इसी में काउंट इफ भी यूज करना। जैसे कोई भी नंबर तो डुप्लीकेट होता नहीं है, किसी पर्टिकुलर डिजिट का डिफरेंस होता है, पर वही चीज हमें आज यहाँ पे कवर करनी है। उसके लिए हमें चारों फॉर्मूलाज का यूज करना है, एंड इज नंबर लेंथ और काउंट इफ। ओके, तो हम पहले तो ये एरिया सिलेक्ट कर लेते हैं जहां पे हमें डेटा वैलिडेशन सेट करना है। सिलेक्ट होने के बाद डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन में आए, यहां से हमें लेना है कस्टम, कस्टम वैलिडेशन हमें सेट करनी है। यहां पे फॉर्मूला, फॉर्मूला में पहले तो हम लगा देते हैं इज इक्वल की साइन, उसके बाद लिख दिया एंड। एंड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो हम तीनों फॉर्मूलाज लगाने वाले हैं वो तीनों के तीनों परफेक्ट होंगी, ट्रू होंगी, वैलिड होंगी, तो ही वो सपोर्ट करेगा। हमने यहां पे ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है, ये एंड के लिए ब्रैकेट। यहां पे हम लगा देते हैं काउंट इफ, ये क्या करेगा, पहले चेकआउट करेगा कोई नंबर सेम है कि नहीं है। काउंट इफ लिखा, अगेन ब्रैकेट दिया, ये यहां पे बता दी रेंज, ठीक है। अब इसको फिक्स रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो कीबोर्ड से F4 प्रेस कर दिया, देखिए सामने आ गया $E, $2 एंड ऑल। अब इसको हम लगाते हैं कॉमा। अब इसकी कंडीशन क्या होगी, कहां से चेक करेगा, यहां से, इट मीन्स E2 से। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं जो काउंट इफ का ब्रैकेट लगाया हुआ है। अब यहाँ पे लिखा दिया less than 2 लिखा। अब यहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं, मतलब ये हमें एंड के लिए दूसरी लॉजिकल टेस्ट लगा रहे हैं। अब वो क्या करेगा, अगर वो नंबर है क्या, इज नंबर, किसमें, इसमें E2 में, ओके, अगेन ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे कॉमा, यानी कि हम एंड के लिए थर्ड लॉजिकल टेस्ट लगा रहे हैं। यहाँ पे वो लेंथ चेक करेगा, किसमें, E2 में, ब्रैकेट ओवर करके यहाँ पे दिखा दिया इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब ये फाइनल ब्रैकेट क्लोज कर दिया जो हमने स्टार्टिंग में एंड के लिए यूज किया था, ओके किया, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पे यही सेम नंबर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे रखा, पेस्ट हो गया, नॉर्मल है। अब यही सेम नंबर हम यहाँ पे भी लिखने की कोशिश करते हैं, देखिये यहाँ पे 1 2 3 जैसे ऊपर लिखा हुआ है वही सेम नंबर लिखा, एंटर किया, आया एरर, वो सेम नंबर अभी एक्सेप्ट करने नहीं देगा। अगर लास्ट में हमने इसमें कुछ चेंजेस कर दिया तो एक्सेप्ट हो गया, और अगर फिर से हम कोई वही सेम नंबर अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो एरर दे रहा है, वो डुप्लीकेट नंबर को भी एक्सेप्ट करने नहीं देगा, देखिए नहीं हो रहा है ना। अब दूसरा कोई नंबर लिख देते हैं तो एक्सेप्ट हो गया। क्या किया हमने इसके फॉर्मूला के लिए, यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं वही सेम फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ हमने इक्वल की साइन लगाया, एंड लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट, तो फर्स्ट हमने फॉर्मूला क्या लगाई, काउंट इफ की, ठीक है। काउंट इफ में हमने बता दिया कि यहां से लेके इस प्लेस तक हमें रेंज चाहिए, फिर F4 लगाया उसको कांस्टेंट करने के लिए, फिर काउंट इफ के लिए दूसरा क्या बोल रहा है, क्रिटेरिया, कॉमा लगा के हमने ये वाली क्रिटेरिया सेट कर दी, ओके, ब्रैकेट ओवर किया, less than 2 दिखा दिया, ये हो गई हमारी लॉजिकल 1, कॉमा देके भी लॉजिकल टू हमने क्या लगाया, वो चेक करना है कि वो नंबर है या नहीं, तो इज नंबर, कौन सा, दिस वन, डेट मीन्स E2, ब्रैकेट ओवर किया, अगेन कॉमा लगाया, डेट मीन्स अभी हम लॉजिकल 3 लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम लगा रहे हैं लेंथ फॉर्मूला। लेंथ के लिए हमने किसमें चेक करना है, E2 में, क्या होना चाहिए, इज इक्वल होना चाहिए वो 10 डिजिट के। अब ये फाइनल ब्रैकेट ओवर किया और ये एंटर कर दिया। यही सेम प्रोसीजर हम यहाँ से इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है, आ गया यहाँ पे, ये जो भी सब नंबर्स हैं ये परफेक्टली ट्रू में दिखा रहा है। अब यहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है तो ये सब फॉल्स में आ रहा है, और अगर यही सेम प्रोसीजर हम कहीं और जगह पे भी इसी एरिया में लेकिन सेम रिपीट कर लेते हैं वही नंबर, ये देखिए एंटर किया,
यहाँ पे तो एरर आ रहा है बिकॉज ऑफ डेटा वैलिडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और यहाँ पे देखिए ये फॉल्स हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी फॉल्स था। जैसे हम रिट्राई कर रहे हैं देखिए ऑटोमेटिक ट्रू हो गया क्योंकि वहां पे अभी वो एक ही बार नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे फिर से हमने कोई दूसरा नंबर लिखा, ये अभी किसके पॉइंट ऑफ व्यू बना रहे हैं इसके लिए, एंटर किया देखिए डेटा वैलिडेशन का एरर आया और यहाँ पे ये फॉल्स आ गया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्मूला की मदद से हम अपने रिकॉर्ड में रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि कोई नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए, वो 10 डिजिट का भी होना चाहिए और वो नंबर ही होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई अल्फाबेट लिख देंगे तो भी आपको एरर देगा, और अगर 10 डिजिट के कम लिखेंगे तो भी एरर देगा, और अगर आपने यहाँ पे ज्यादा नंबर लिख दिए तो भी वो आपको एरर देगा। मतलब उसको सिर्फ 10 डिजिट चाहिए और वो डुप्लीकेट भी नहीं होने चाहिए और वो सब नंबर्स ही होने चाहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।